और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां आज से दिल्ली में फिर से पुरानी शराब नीति जो है वो लागू होने जा रही है। बड़ी जानकारी ये कि नई शराब नीति पर घोटाले के बाद जो रोक लगी थी, अब वो एक बार से फिर से बहाल करने की योजना जो तैयार की गई है, उसी योजना के तहत आज से ये नीति लागू की जा रही है। अब शराब नीति पर दिल्ली में जो सियासी बवाल मचा हुआ है, वो हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार जारी है। आज से दिल्ली में फिर से पुरानी शराब नीति लागू होने जा रही है और दिल्ली में नई सभी जो निजी शराब की दुकानें हैं वो बंद ही रहेंगी, क्योंकि जो निजी दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त नहीं है। पुरानी सरकारी दुकानें खुल जाएंगी। दिल्ली में आज से फिर ये पुरानी शराब नीति लागू हो रही है, क्योंकि इसे एक्सटेंड किया गया था। इसके तहत सितंबर में 500 दुकानें खुलनी हैं और दिसंबर तक 700 दुकानें खोले जाने का सरकार का लक्ष्य है। और शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि आज के दिन जब सरकारी दुकानें खुल रही हैं, जो सरकारी ठेके खोले जा रहे हैं, वो तकरीबन 300 खोले जाएंगे। ये पहला हफ्ता रहेगा, या कह सकते हैं कि 10 दिन तक ये 300 ही दुकानें खुलेंगी, ये कहा गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा दुकानें जो मॉल की हैं, मॉल के अंदर जो बियर बार है उसे खोलने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन जो प्राइवेट जो शराब की दुकानें हैं, जो वाइन शॉप है, उसे खोलने की मंजूरी अभी नहीं दी गई है। लेकिन लगातार हम बात करें बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी की, तो शराब नीति को लेकर बवाल दिल्ली में मचा हुआ है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। नमित इस वक्त एक बार फिर से मेरे सहयोगी इसी पूरे मामले को लेकर, इसकी जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। नमित, क्योंकि इससे पहले जब हम समझने की कोशिश कर रहे थे आपसे कि किस तरह से मॉनिटरिंग आज से की जाएगी, क्योंकि 300 दुकानें खोलने की बात कही गई है, आपने एक बड़ी बात कही थी कि मॉल में जो दुकानें हैं, जो वाइन शॉप है, उनको खोला जाएगा, तो क्या ये भी तय किया गया है कि कहाँ कहाँ सरकारी ठेके खुलने हैं, कहाँ कहाँ ये शॉप खुलनी है? देखिए, बिल्कुल नई आबकारी नीति पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बवाल हुआ, बीजेपी ने कई जगह प्रदर्शन किया और उसके बाद सीबीआई जांच की मांग जो है वो की गई। एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसके बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया। हालांकि ये जुलाई के महीने में ही बंद होनी थी, लेकिन इसको एक महीने के लिए इसलिए एक्सटेंड किया गया क्योंकि तमाम जो प्राइवेट शराब के जो लाइसेंसधारी थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास काफ़ी स्टॉक बचा हुआ है, ऐसे में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो पिछले एक महीने में तकरीबन सभी प्राइवेट शराब की दुकानों ने अपनी शराब की दुकानें खाली कर दी हैं। बड़े बड़े ऑफर और जो उन्होंने छूट दी थी शराब पर, उसको लेकर अभी देखिए एक प्राइवेट शराब की दुकान के बाहर हम मौजूद हैं। आज से जो है ये तमाम जो प्राइवेट शराब की दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, क्योंकि आज से जो नई शराब नीति है वो बंद हो रही है। और इसके बाद आज से जो दिल्ली के अंदर सरकारी ठेके हैं वो ओपन होंगे, जिसमें जो सूत्र बता रहे हैं शुरुआती 10 दिन तक 300 नई सरकारी शराब की दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी। और इसके लिए जैसा हमने पहले भी बताया था कि एक मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। आबकारी अधिकारियों से भी कल हमारी बातचीत हुई थी। ज़्यादातर जो सरकारी ठेके हैं वो या तो मॉल्स के अंदर खुलेंगे या फिर मेट्रो स्टेशन के आसपास खुलेंगे, जिससे वहाँ पर लोगों को शराब लेने में परेशानी ना हो, क्योंकि इससे पहले जितने भी शराब की सरकारी दुकानें थी, हमने पहले देखा था 2020 और 21 की जो शराब नीति थी वो कंजेस्टेड एरिया में शराब की सरकारी दुकानें थी, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता था। तो इस बार जो ये जो नीति है, इसमें हालांकि जो अभी कोई अलग से शराब नीति नहीं बनाई गई है, दिल्ली सरकार ने अगले 6 महीने तक ये जो पुरानी शराब नीति है यही जारी रहेगी, और ये जो एक नई शराब नीति है उस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है, जो कि 6 महीने बाद लागू होगी। यानी कि 6 महीने तक 2020 और 21 की जो शराब नीति है वही लागू रहेगी। आज से जो एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए एक ऐप भी जो है वो बनाया गया है दिल्ली की आबकारी विभाग की तरफ से। उस ऐप के जरिए आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन सी शराब की सरकारी दुकानें हैं, कौन सा ब्रांड वहां पर अवेलेबल है, या फिर कौन से दिन ड्राई डे रहेगा, कौन सी विदेशी शराब आपको मिल सकती हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं उस ऐप में मिलेंगी। दूसरी बात पर आते हैं, जैसा आपने मॉनिटरिंग का जिक्र किया, क्योंकि मेट्रो के आसपास और मॉल के अंदर सरकारी दुकानें खुलेंगी, इसको लेकर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, जो कि आबकारी अधिकारी उसकी देखरेख करेंगे और ये जांचेंगे कि शुरुआती 10 दिन में जो 300 सरकारी शराब की दुकानें खुल रही हैं वहाँ पर किस तरीके का रश देखने को मिल रहा है। अगर सपोज़ कीजिए कि किसी जगह रश ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो सरकारी शराब की दुकानें हैं उनको फिर आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।